इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रीवा मध्य प्रदेश से जहां आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान जाती रहती है, ऐसे में रीवा मध्य प्रदेश से भी आ रही खबर जहां सड़क हादसे में दो की मौत में एक की हालत गंभीर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, कारण सड़कों पर ज्यादातर भीड़ देखने को मिल रही है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है वैसे ही एक्सीडेंट के मामले भी बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल में सवार होकर तीन लोग रीवा बनारस हाईवे से जा रहे थे, जहां पर मनगवा में डामर लोडिंग करके ट्रक से मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। इसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ घायल का उपचार जारी है। हाँ, ये आज सुबह करीब 9:45 के आसपास की घटना है। थाने को सूचना मिली, थाना प्रभारी को फ़ोन आया, थाना प्रभारी ने मौके पर जाके देखा तो एक ट्रक जो रोड बनाने वाली गिट्टी जो डामर में लिपटी हुई थी वो लेके ट्रक जा रहा था, उसी ट्रक से एक मोटरसाइकिल सवार था जिसमें एक राजभान जो 32 साल का है, उसकी पत्नी रेशमी सेन जो करीब 30 साल की, और उनका भांजा चंदन, ये तीन लोग सवार थे। उसमें से टक्कर होने से जो चोटें आईं उन चोटों से दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें सराजमान और रेशमी की मौत हो गई और चंदन घायल है। चंदन को SGH में रेफ़र कर दिया गया, वो SGH में इलाजरत है। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मौके से ड्राइवर अभी फरार है, चालक की पतासाजी की जा रही है, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। रीवा मध्य प्रदेश से विजय तिवारी की रिपोर्ट।